इंडियन आइडल 12 में जिस जोड़ी ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया वो पवनदीप प्राजन और अरुणिता कांजीलाल की है। इस जोड़ी के जलवे के सामने सब फीके पड़ गए। शो के मेकर्स पर भी आरोप लगा कि उन्होंने दोनों की जोड़ी का इस्तेमाल टीआरपी के लिए किया। हालांकि पवनदीप के एक पोस्ट ने फिर से इस जोड़ी को लाइमलाइट मिला दिया। पवनदीप ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अरुणिता के साथ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों गाने पर परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। गाने भी दो प्यार करने वालों पर एकदम फिट बैठ रहा है। फैंस अरुणिता और पवनदीप को हमेशा साथ देखना चाहते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अरुदीप के फैंस के होश उड़ा सकता है। इस वीडियो में अरुणिता कांजीलाल कंटेस्टेंट नचिकेत लेले के साथ इश्क फरमाती हुई नजर आ रही है। अरुणिता ने उन लोगों के थप्पड़ मारा जो पवनदीप और अरुणिता के अफेयर की बात कहते हैं। अरुणिता ने साफ कर दिया कि पवनदीप सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, ना कि कुछ और रिश्ता है। वीडियो में अरुणिता नचिकेत के साथ दिल देना बुरी वाला पर लिप सिंक करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को अरुणिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसे अब तक 52,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो आपको अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी कैसी लगती है आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएं। बीते दिनों इंडियन आइडल के सेट पर एक फोटो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे जब शो के कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को लाल रंग से लथपथ देखा गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद सेट पर पवनदीप के साथ हादसा हुआ हो, लेकिन असल में तो वो फोटो पवनदीप की एक फिल्म का हिस्सा बताई गई थी। अब जब शो आखिरी पड़ाव पर है तो जाते जाते पवनदीप ने भी उस फोटो को लेकर बड़ा राज खोला है। पवनदीप ने बताया कि वो एक्टर नहीं है, मतलब फिर वो किसकी फोटो है? फिल्म सीन नहीं है तो क्या सच्ची में कोई घटना उनके साथ हुई है? कुछ ऐसे ही विचार कर रहे होंगे आप भी। तो आपको बता दें पवनदीप ने क्या बताया, फैंस पवनदीप को लेकर परेशान हो गए थे। फैंस पवनदीप का हाल जानने के लिए बेकरार दिखे, बस इसलिए पवनदीप से उनकी फोटो और वीडियो के बारे में पूछ लिया गया। पवनदीप ने बताया कि हाँ ये सच है कि वो फोटो और वीडियो उनकी वेब सीरीज 1962 द वॉर इन द हिल्स के एक फाइट सीन की थी। पवनदीप ने बताया कि इस वेब सीरीज में मेरा कैरेक्टर रडार नाम के कैरेक्टर का था जो अभय देओल का रेडियो ऑपरेटर था। रडार का काम सब जानकारी इधर से उधर पहुंचाना था। वो एक फाइटर भी होता है। जो खून वाला वीडियो था वो मेरे फाइटर सीन का था। पवनदीप ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, बचपन से हम टीवी में जो मूवीज देखते थे उसी तरह की मूवीज में मैंने काम किया। इससे मुझे पता चला कि कैसे फाइट सीन होते हैं, कैसे इमोशंस होते हैं, वहाँ पर कैसे डायलॉग बोले जाते हैं, वो सब सीखने को मिला। बस मैंने उसमें एक कोशिश की, मैं एक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि मैं एक अच्छा काम कर सकूं, लोग मुझे जान सके और मेरी काम की तारीफ करें। मैंने इस काम में बहुत एंजॉय किया। पवनदीप ने चिंता करने वाले फैंस के लिए भी कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। इसके अलावा पवनदीप ने कई सारे मामलों पर भी बात की। शो की कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल के रिश्ते पर भी पवनदीप ने बड़ी चुप्पी तोड़ी। पवनदीप ने कहा कि अरुणिता केवल मेरी एक अच्छी दोस्त है। उन्होंने अपने फैंस से एक रिक्वेस्ट भी की। पवनदीप ने कहा कि उनके रिश्ते को प्लीज कोई दूसरा नाम ना ही दे। आपको बता दें पवनदीप की काबिलियत की तारीफ कई स्टार्स और फैंस कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान और जितेंद्र भी पवनदीप की तारीफ कर चुके हैं। सलमान और पवनदीप का खास कनेक्शन भी दिखाया गया था। पवनदीप के टैलेंट ने नेहा कक्कर को भी दीवाना कर दिया। अब देखना होगा क्या सच में पवनदीप ही इंडियन आइडल 12 के विनर बनेंगे, और अगर पवनदीप विनर नहीं बने तो यकीन मानिए उनके फैंस को तकलीफ तो होगी क्योंकि पवनदीप के चाहने वाले बहुत हैं। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है, जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया है कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है, मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तो पवनदीप की सुरीली आवाज और दूसरी इन फोटोज ने हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं।
हम आपको मासूम चेहरा लेकर इंडियन आइडल 12 के सेट पर आए पवनदीप के बुलंद हौसले और लगन मेहनत के बारे में सब कुछ बताते हैं। आप भी पवनदीप का ये राज जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन आइडल 12 में अपनी आवाज और टैलेंट से लोगों को दीवाना बनाने वाले उत्तराखंड के पवनदीप राजन हाल ही में एक वेब सीरीज में नजर आए थे। इस वेब सीरीज का नाम 1962 द वार इन द हिल्स है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर है। 10 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज को लोगों ने मिला जुला कर रिस्पॉन्स भी दिया। वेब सीरीज में अभय देओल, आकाश तोमर, माही गिल, सुमित दया जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सीरीज भारत और चीन के बीच युद्ध पर आधारित है। इस सीरीज की ही पवनदीप की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इन्हें जमकर शेयर कर रहे हैं। सीरीज में पवनदीप ने नोड़ो ताना का किरदार निभाया है। पवनदीप की कई फोटोज ने फैंस को एकदम दीवाना ही बना दिया और फैंस पवनदीप की खासा तारीफ भी कर रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि पवनदीप ही इंडियन आइडल 12 के विनर बनेंगे। देश भर में आवाज के जादू से सुर्खियों में उत्तराखंड के पवनदीप राजन के चाहने वालों के लिए एक और भी खुशखबरी है कि चंपावत जिले का ये लाल अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का धमाल मचा चुका है। जी हां, पवनदीप बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस शो के लिए बुरी खबर एक और भी है कि ये शो कुछ ही दिन में ऑफ एयर भी होने वाला है। जी हां, जल्द ही शो के सेट पर ताला लग जाएगा। जल्द ही शो का विनर घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में इंडियन आइडल 12 के सेट पर अनु मलिक की एंट्री हुई। बेशक अनु मलिक का इंडियन आइडल के सेट से पुराना नाता है, वो पहले ही इस शो के जज रह चुके हैं और सब ये भी जानते हैं कि एक बड़े मुद्दे की वजह से अनु मलिक को इस शो से निकाला गया था। जी हाँ, मीटू विवाद में फंसने के बाद अनु मलिक ने ये शो छोड़ दिया था। इस बड़े कांड के बाद अनु मलिक पहली बार इस शो में बतौर जज बनकर आए थे। बेशक अनु मलिक यहाँ सीनियर थे, उनकी राय लेनी भी जरूरी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी भी कंटेस्टेंट को आप कुछ भी बोलेंगे और खासकर उस कंटेस्टेंट को जिसके लोग दीवाने हैं। जी हाँ, जिस कंटेस्टेंट की आवाज के लोग दीवाने हैं, अनु मलिक ने उसकी धज्जियां ही उड़ा दी। अनु मलिक ने सुपरस्टार कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की आवाज की धज्जियां ही उड़ा दी और फिर वो शूटिंग छोड़कर सेट से निकल गए। ये सब देखकर नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया सब के सब शॉक्ड रह गए। दरअसल पवनदीप ने रिफ्यूजी फिल्म का गाना पंछी नदिया पवन के झोंके गाना गाया था, जो सबको बहुत पसंद आया और सब वाहवाही कर रहे थे। पवनदीप की आवाज सुनकर अनु मलिक का पारा सातवें आसमान पर चला गया। इस बात का सबूत इंडियन आइडल 12 का लेटेस्ट प्रोमो भी है। इंडियन आइडल 12 के प्रोमो में पवनदीप राजन अनु मलिक के सामने गाना गाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप राजन की आवाज सुनकर लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन अनु मलिक हैरान हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडियन आइडल का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को माना जा रहा है, जिन्होंने अपनी आवाज से हर किसी को दीवाना कर दिया। लेकिन पवनदीप राजन का गाना अनु मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद अनु मलिक पवन से कहते हैं, ये सब बहुत हो गया, यहाँ चल क्या रहा है, छोड़ो भैया छोड़ो। ये बात कहते हुए अनु मलिक अपना माइक निकालते हैं और कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं, सेट से बाहर चले जाते हैं। अनु मलिक को बाहर जाते नेहा और हिमेश शॉक्ड रह जाते हैं। दोनों मुंह पर हाथ रख के देखते हैं। हिमेश ये तक कहते हैं, क्या सर सच में चले गए? किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि अनु मलिक ने अचानक शूटिंग क्यों छोड़ दी।